It is a pleasure for me to be with you again this morning, just for a few minutes. और आज की सुबह फिर से आपके सम्मुख आने के लिए ये मेरा सौभाग्य है ताकि कुछ समय मैं आपके संग बिता सकूं. This is the day the Lord has given us. और ये वो दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. He also given us everything we need in order to live a victorious life. और इसलिए परमेश्वर ने हमें हर एक वो चीज दी है ताकि जिसके द्वारा हम एक जयवंत जीवन को जीने पाएं. So let us not ignore these provisions. और इसलिए होने दे इन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया कराई हैं, इनके विरुद्ध हम अपने मुंह को ना फेरें. His grace. उसका अनुग्रह. The Holy Spirit. पवित्र आत्मा. And His word. और उसका वचन. His presence. उसकी उपस्थिति. And His knowledge and wisdom. और उसका ज्ञान और उसकी समझ. His mercies. उसकी दया. Everything is given to उसने हर एक बात को हमें दिया है. So let us appropriate these blessings and live victoriously. और होने दें आशीषों को हम अपने जीवन में जाने और जयवंत रूप से जीने पाएं. I want to talk to you something about death and connected with that. और मैं आज की सुबह आपसे बात करना चाहता हूँ मृत्यु और उससे जुड़ी कुछ बातों को लेकर. For those who know Jesus Christ, और वे जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, death is never the end. याद रखिए मृत्यु कभी भी अंत नहीं है. It is the grand beginning. वो तो एक बड़ी शुरुआत है. It is a passage to another larger life. ये तो एक मार्ग है एक और बड़े जीवन में जाने की. John chapter 14 verse 19 says. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 19वें वचन में लिखा है. These are the words of Jesus to the disciples. और ये वो वचन है जो यीशु ने खुद अपने चेलों से कहे. In a little while the world will see me no longer. अब कुछ ही और क्षणों में ये संसार मुझे अब और नहीं देखेगा. But you will see me. लेकिन तुम मुझे देखोगे. Because I live, you will also live. क्योंकि मैं जीता हूँ तो तुम भी जियोगे. In chapter 14, again, Jesus said. और 14वें अध्याय में फिर से यीशु कहता है. In verse 1. पहले वचन में. Let not your heart be troubled. होने ना दे कि तुम्हारे हृदय घबराएं. Believe in God. और वे परमेश्वर पर विश्वास रखो. Believe also in me. और मुझ पर भी विश्वास रखो. In my Father's house there are many rooms. मेरे परमेश्वर के घर में कई सारे कमरे हैं. If it were not so, I would have told you. और अगर मेरे पिता के पास वो नहीं होते तो मैं तुमसे कहता ही नहीं. But I go to prepare a place for you. लेकिन मैं तो जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करूँ. And when I am prepared, और जब मैंने उस स्थान को तैयार कर दूंगा, I will come back. मैं फिर से वापस आऊंगा. And take you, और तुम्हें ले जाऊंगा. So that you may be with me wherever I am. ताकि तुम भी मेरे संग वहां हो सको जहां मैं हूं. Then again in the gospel according to St. John chapter 11 verses 25 and 26 Jesus says. और फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 25वें और 26वें वचन में यीशु कहता है. I am the resurrection and the life. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं. The one who believes in me, even if he dies, he will live again. और वो जो मुझ पे विश्वास करता है भले ही वो मर क्यों ना जाए वो फिर से जी उठेगा. In Christ, the final word for a Christian is not death. और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह में वो जो अंतिम वाक्य या वो शब्द है मृत्यु वो अंत नहीं है. The final word is life. And life eternal. लेकिन अंतिम शब्द जो है वो है जीवन और एक ऐसा जीवन जो अनंत का है. Life imperishable. और एक ऐसा जीवन जो अविनाशी है. What kind of a life it's going to be? और ये किस प्रकार का जीवन होगा? All things are not revealed to us. सारी बातों को हमें प्रकाशित नहीं किया गया है. But Jesus gave us some hints and suggestions. लेकिन यीशु ने कुछ बातों को और सुझावों को हमें दिया है. Concerning what this life eternal with him is going to be. कि क्या होगा ये अनंत जीवन उसके साथ. So let us consider a few things. और आइए कुछ बातों को हम देखें. Number one. पहली बात. We shall be with him. हम उसके साथ होंगे. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? The one whom we loved. और एक वो जिससे हम प्रेम रखते हैं. The one for whom we lived. और एक वो जिसके लिए हम जीते हैं. The one who
whom we serve. और एक ऐसा जिसकी हम सेवा करते हैं. And worship. और जिसकी आराधना हम करते हैं. And the one whom we have been expecting. और एक ऐसा जिसकी आशा हम लगाए हुए हैं. He comes and takes us. वो आता है और हमें ले जाता है. And the first thing is we shall be with him. और वो पहली बात जो होगी हम उसके साथ होंगे. Oh, what glorious promise. और कितना महान वादा ये है. That's what this chapter, 14th chapter of John verses 2 and 3 says. और यही 14वां अध्याय और दूसरा और तीसरे वचन में यूहन्ना के लिखा है. Whenever Apostle Paul anticipated this life. और जब कभी पौलुस प्रेरित ने इस जीवन के बारे में बात किया. It's a life beyond the grave. कि एक जीवन जो कब्र के परे है. He never said he was going to heaven. उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो स्वर्ग की ओर जाता है. Have you noted whether you read all about what Paul has written about dying or his coming? आप पढ़िए कि पौलुस क्या कहता है मरने के बारे में और स्वर्ग के बारे में. In Philippians chapter 1 verse 23 he Philippians की पत्री उसका पहला अध्याय 23वें वचन में वो कहता है. I have a desire to be with Christ. मेरे पास तो ये इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के संग हो लूं. And in 2 Corinthians chapter 5 verse 8 और दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 8वें वचन में वो कहता है. He said yet we are confident and satisfied to be out of the body and be at home with the Lord. और वो कहता है कि हाँ हम तृप्त हैं और हाँ हम हमें भरोसा है कि जब हम अपने शरीर के बाहर होंगे तो हम अपने परमेश्वर स्वामी के घर में होंगे. That's what he always said. और इसी बात को उसने हमेशा कहा. To be with the Lord, कि परमेश्वर के संग होना, and see him face to face, और उसे आमने सामने देखना, to live in the sunshine of his love, और उसके सूर्य जो चमकता है उसके प्रेम से उसमें जीना, we shall be with him, हम उसके संग होंगे, and we shall behold him, और हम उसे देखेंगे और निहारेंगे. Oh, what a promise to look forward to! और कितना महान वादा है जिसकी ओर हम आस लगाए रख सकते हैं. This is the hope of a child of God. और ये है वो आशा एक परमेश्वर के बेटे या पुत्र की. This is what enables us to suffer anything for Christ, because sufferings last only for a short, a fleeting moment, but life with Christ lasts forever and ever and ever. और परमेश्वर याद रखिए कि जीवन में जो बातें अस्थाई हैं वो तो चली जाएंगी, लेकिन यीशु के संग जो जीवन है वो अनंत तक बना रहेगा. The second thing is, जो दूसरी बात है, we shall have fellowship with him, हम उसके संग सहभागिता करेंगे, and with God's people और परमेश्वर, from all ages, और परमेश्वर के लोगों के संग सहभागिता करेंगे जो हर युग से वहाँ मौजूद हैं. Matthew chapter 8 verse 11. मती उसका 8वां अध्याय और 11वां वचन. Won't it be thrilling to meet all those heroes of faith? क्या ये रोमांचक नहीं होगा कि उन सारे विश्वास के पिताओं से हम मिलेंगे? The heroes whom we find in Hebrews chapter 11. और उन सारे विश्वास के पिताओं से, उन बड़े बड़े जयवंत योद्धाओं से जो विश्वास के योद्धा थे, जो इब्रानियों की पुस्तक में लिखा गया है. Wow, what a glorious experience that's going to be. और कितना महिमामय अनुभव वो होगा. And the third thing is, और जो तीसरी बात है, a more wonderful thing is, और एक और अद्भुत बात ये है, reunion with our own dear ones in the Lord. हमारे प्रियजन जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं उनके संग फिर से एक सहभागिता और मुलाकात. John's Gospel chapter 14, Jesus said of that life, the place of his father's house. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 3रे वचन में यीशु खुद कहता है कि वो परमेश्वर पिता का घर जहाँ पर हम उससे मुलाकात करेंगे. So what kind of picture you get? और किस प्रकार का दृश्य आपके सामने आता है? We are at home.
हम तो घर पहुंच जाएंगे. एंड व्हेन अ क्रिश्चियन डाइज ही गोज होम. और जब एक मसीही मरता है वो अपने घर की ओर निकल जाता है. दैट इज व्हाट इट सेज. और यही बात वहां पर लिखी है. इट इज माय फादर्स हाउस. ये तो मेरे पिता का घर है. ही हैज प्रिपेयर्ड इट फॉर मी. और वो स्थान उसने मेरे लिए तैयार किया. व्हाट अ ग्लोरियस थिंग दैट इज. और कितना महिमामय बात ये है. सो दोस ऑफ यू हु आर गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स इन लाइफ. और इसलिए आप में से वे जो जीवन में परेशानियों से होकर persecution सताव से होकर निकलते हैं. Yes, affliction. और हर प्रकार की पीड़ा और ताड़ना से. Take courage. आप सहदृढ़ बने. These last only for a fleeting moment compared to eternity. क्योंकि ये सारी बातें तो बड़ी अस्थाई हैं और कुछ ही क्षण के लिए रहेंगी जब आप इनकी तुलना अनंत जीवन से करते हैं. You have a home, you have a house prepared by our heavenly Father Himself. और आपके पास एक घर है जिसे हमारे स्वर्गीय पिता ने खुद आपके लिए बनाया. And the fourth thing is. चौथी बात है. We shall enjoy a life of perfect happiness. हमें एक सिद्ध आनंद के जीवन का अनुभव हम करेंगे. Revelation chapter 21 verse 4 says. और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय चौथे वचन में लिखा है. He will wipe away all our tears. कि वो हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा. All the tears from our eyes. सारे आंसुओं को हमारी आंखों से. Death will exist no longer. और मृत्यु अब और नहीं बचेगी. Grief and crying and pain will exist no longer. और वो दुख, वो तारना और कुछ नहीं बचेगा. We shall be set free. हमें तो आजाद कर दिया जाएगा. Free from all cares and burdens. सारे बोझों और चिंताओं से. All trials and temptations. हर प्रकार की परीक्षा और हर प्रकार की मुश्किलों से. All frustrations and failures. हर प्रकार की असफलता और हर प्रकार के तनाव से. All wants and fears. और हर प्रकार की चेतावनी और भयों से. And there be no natural calamities or famines. And no curses. और उसके पश्चात कोई प्राकृतिक आपदा, कोई बाढ़, कोई सूखा या कोई श्राप ना होगा. Yes, I say hallelujah. और इसलिए हम कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले. The fifth thing is. और पांचवी बात. Our relationship with God. हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है. In 1 John chapter 3 verse 2. पहले यहुन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय दूसरा वचन. Dear friends. और मेरे प्रिय मित्रों. We are God's children now. हम परमेश्वर के बच्चे हैं अभी. And what we will be has not yet been revealed. And और अभी हम जो हैं वो हमें अभी प्रकाशित नहीं हुआ है. We know that when he appears. हम जानते हैं जब वो प्रकट होगा. We will be like him. तब हम उसके समान हो जाएंगे. Because we will see him as he is. क्योंकि हम उसे देखेंगे जैसा वो है. What a blessing to look forward to. और कितनी बड़ी आशीष है जिसकी ओर हम देख सकते हैं. This is our anticipation. और ये है हमारी आशा और भरोसा. We shall be holy as he is holy. और हम पवित्र हो जाएंगे जैसे वो पवित्र है. We shall see his face. See him face to face. और हम उसे आमने सामने देखेंगे. In all his splendor. उसकी सारी महिमा में. Amen. Amen. Thank you, Jesus. We shall dwell in His presence in unbroken relationship and fellowship. और हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे एक ऐसी सहभागिता में जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती, जो ना कभी रुकेगी. We shall join with the angels and worship him. और हम स्वर्गदूतों के संग मिलकर उसकी आराधना को करेंगे. Worship him around his throne. और उसकी आराधना करेंगे उसके सिंहासन के चारों ओर से. Possessing his love and favor. और उसके प्रेम और अनुग्रह को पाएंगे. We shall reign with him and with our savior. और हम उसके साथ और अपने उद्धारकर्ता के संग राज्य करेंगे. And in his presence. और उसकी उपस्थिति में. We keep on beholding his radiance. तब हम उसकी महिमा और ज्योतिमय को देखते रहेंगे.
and worship him and serve him. हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे. Yes, with the angelic host and with the family of God's children. और वो सारे स्वर्गदूत और वो स्वर्ग मंडल में मौजूद हर एक प्राणी और हर एक मनुष्य के साथ. Including our own loved ones. हमारे प्रियजनों के साथ. In happiness beyond imagination. और एक ऐसी खुशी और आनंद जो हमारे समझ के परे है. Or beyond description. और एक ऐसा खुशी और आनंद जो वर्णन के अपार है. In the very presence of our loving Lord God Almighty. और ये सब हमारे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति. This is going to be the life like in His presence. और ऐसा होगा जीवन जब हम उसकी उपस्थिति में अनंत के लिए होंगे. Are you ready for? क्या आप तैयार हैं इस जीवन के लिए? Hallelujah. Hallelujah. Time is very short. क्योंकि समय बहुत कम है. It's coming soon. और वो जल्द आ रहा है. And we will leave this world. और हम इस संसार को छोड़ देंगे. Amen. Amen. Get ready. तैयार हो जाएं. Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता. For your Son Jesus. धन्यवाद तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए. And for the Holy Spirit. और तेरी पवित्र आत्मा के लिए. We thank you for your promise. हम धन्यवाद करते हैं तेरे वादे के लिए. Promise of the coming of your Son Jesus. और वो वादा जो तूने हमसे किया कि तेरा पुत्र यीशु आएगा. And taking us that we may be with him and we may behold you. हमें ले जाने के लिए ताकि हम उसे देखें और तू हमें अपने संग ले जाएगा. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता. फॉर दिस वंडरफुल प्रॉमिस. इस अद्भुत वादे के लिए. एंड वी डोंट लॉर्ड वी डोंट वांट टू गिव अप दिस ग्रेट प्रॉमिस यू हैव गिवन अस. पिता हम इस वादे से चूकना नहीं चाहते, इस महान वादे से जो तूने हमें दिया है. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता. Let nothing block our vision of our eternity with you. और होने दे कोई भी बात हमारे उस दर्शन को जो अनंत काल का जीवन है उसे कोई भी बात रोकने ना पाए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This is a great day. ये एक महान दिन है. The Lord may come any time. और परमेश्वर किसी भी समय आ सकता है. It could be today. और वो आज भी है, हो सकता है. Or tomorrow. या कल. But very soon. लेकिन बहुत जल्द. Be ready. आप तैयार हो रहे हैं. आमीन. आमीन.